हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम बनाते हैं कराची हलवा। इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया, इसमें लिया मैंने कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर लगभग यहाँ पे मैंने एक कटोरी ली और इसमें हम धीरे धीरे पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। एक स्लरी, एक पेस्ट फॉर्म होना चाहिए। पेस्ट इन सेंस इसमें लम्स नहीं रहेगा और ये थोड़ा फ्लूइड कंसिस्टेंसी रहेगा। और इसे हम साइड रख लेते हैं। अभी चलिए हम क्या करेंगे, एक पैन गरम करेंगे, उसमें हम डालेंगे एक कटोरी लगभग चीनी और आधी कटोरी लगभग पानी। इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे और कैरामलाइज होने के लिए वेट करेंगे। दोस्तों, आपको ये प्रोसेस लो फ्लेम में करना है और इसे मिक्स करते रहना है कंटिन्यूसली, नहीं तो ये जल जाएगा। अब दोस्तों, हमने जो कॉर्नफ्लोर और पानी का मिक्सचर बनाया था स्टार्टिंग में, वो हम इस प्रोसेस में ऐड कर देंगे। हमारा चीनी कैरामलाइज हो चुका था, जिससे पानी में मिक्स हो चुका था, तो वो कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर भी हम इसमें डाल देंगे और इसे आप चलाते रहें, मिक्स करते रहें। अब लगभग 1.5 चम्मच आप लेमन जूस यूज़ करें और इसे लो फ्लेम में तब तक पकाएं जब तक हमारा ये मिक्सचर थोड़ा हार्ड ना हो जाता। लगभग 2 से 3 मिनट आपको ये पकाना है, ये प्रोसेस आपको करना है। यहाँ पे मेरा जो मिक्सचर है वो लगभग थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म हो चुका है, तो यहाँ पे मैं लगभग 3 चम्मच घी यूज़ करूँगी और इसे भी अच्छे से मिक्स करती रहूँगी। आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, ये लो फ्लेम में होगा और इसमें लम्स फॉर्म नहीं होने चाहिए, इसीलिए आपको कंटिन्यूसली इसे चलाते रहना है, नहीं तो इसमें लम्स हो जाएंगे। देखिए, मेरा मिक्सचर यहाँ पे बहुत सॉफ्ट था, तो भी मैंने इसमें घी दिया है, बिकॉज घी से ही असली हमारा कराची हलवा बन के रेडी होगा। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच लगभग घी यूज़ किया और उसे भी हमारे जो कॉर्नफ्लोर मिक्सचर में अच्छे से मिक्स कर दिया। हमारा जो मिक्सचर है वो बहुत ग्लॉसी, बहुत शाइनी हो चुका है, बट मैं इसमें और घी ऐड करूँगी क्योंकि कराची हलवा में बहुत घी लगता है दोस्तों, तभी वो हलवा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्पेशल बनता है, ऑथेंटिक बनता है। दोस्तों, यहाँ मेरा कॉर्नफ्लोर मिक्स बहुत ग्लॉसी, बहुत शाइनी हो गया है, तो चलिए इसमें कलर ऐड कर लेते हैं। आपके मनचाहे कलर आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे रेड फूड कलर यूज़ कर रही हूँ। आपकी इच्छा है दोस्तों, आप कोई भी फूड कलर यूज़ कर सकते हैं। फूड कलर नहीं है तो भी आप ऐसे प्लेन छोड़ सकते हैं, कोई टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। रेड फूड कलर मैंने डाल दिया था और इसमें मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया हमारे कॉर्नफ्लोर मिक्स के साथ। अब आप इस स्टेज में कोई भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास हो आप यूज़ कर सकते हैं, काजू, बादाम, पिस्ता, आपको जो अच्छा लगे आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे ग्रेट किया हुआ आलमंड्स और ग्रेट किया हुआ कैश्यू यूज़ कर रही हूँ और इसे भी अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी। दोस्तों, मैंने ड्राई फ्रूट्स को भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें लगभग 1 चम्मच घी डालूंगी और इसे भी अच्छे से मिक्स करूंगी। इसे लो फ्लेम में मिक्स करूंगी लगभग 3 से 4 मिनट के लिए और इससे हमारा जो कराची हलवा है वो एकदम जेली फॉर्म में रेडी हो जाएगा और वो बहुत टेस्टी लगेगा। देख सकते हैं आप कितना टेस्टी लग रहा है। अब मैं इसे एक ग्रीस्ड किया हुआ बाउल में निकाल के रख दूँगी, इसे थोड़ा फ्लैटन करूँगी। मैंने यहाँ लगभग अपना कराची हलवा को फ्लैटन कर लिया है, तो चलिए इसे गार्निश कर लेते हैं थोड़े ड्राई फ्रूट्स के साथ। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ काजू और बादाम, इसे अच्छे से मैंने ग्रेट कर लिया था और मैं इसे ऐसे स्प्रेड कर ली हूँ। अब हमें क्या करना है, इसे थोड़ा सा सेट करना है। इसके लिए मैं आधे घंटे तक इसे छोड़ दूँगी, डिस्टर्ब नहीं करूँगी। हमारा कराची हलवा बहुत ही अच्छा सॉलिड फॉर्म में डेवलप हो जाएगा, तो चलिए आधे घंटे तक का वेट कर लेते हैं। आधे घंटे के बाद आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे कराची हलवा बहुत अच्छे से सेट हुआ है, तो चलिए इसे डिमोल्ड करके एक प्लेट में निकाल लेते हैं। मैंने यहाँ पे निकाल लिया, देख सकते हैं आप कितना टेस्टी लग रहा है, कितना क्यूट लग रहा है, राइट। तो चलिए इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा जेली फॉर्म है, तो मुझे इसे छूने में बहुत डर लग रहा था, तो फिर मैं इसे नीचे से ही कट कर लेती हूँ स्मॉल स्मॉल पीसेस में और चलिए इसे फिर सर्व कर लेते हैं। मुझसे तो रहा नहीं जा रहा, मुझे इतना टेस्टी लग रहा है। तो चलिए फास्ट फॉरवर्ड में कट करके चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। अब देखिए, मैं इसको सर्व करूँगी एक बाउल में और इतना टेस्टी लग रहा है, देखिए कितना, मतलब एकदम लग रहा है ना रोड साइड जो ढाबा में या फिर शॉप्स में मिलते हैं वैसा ही लग रहा है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एन्जॉय।